यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए, कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 1 के 20 क्वेश्चन को। इसका पीडीएफ हमने जो है वो कल टेलीग्राम के ऊपर डाला था, आई होप आपने इसको सोल्व आउट कर लिया होगा। तो अब आप मैचिंग कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक बैठे हैं। ओके जी सर, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो इंडियन लॉजिक से था, सिंपल सा क्वेश्चन, वो था विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाण, इनमें से कौन सा प्रमाण जो है इज यूज, उसको इस्तेमाल किया जाता है बाय द क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। गॉड की एग्जिस्टेंस जो है उसको प्रूव करने के लिए कौन से प्रमाण को जो है वो हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वो है अनुमाना। कौन सा? अनुमाना, इन्फ्रेंस बोलते हैं इसको। अगला, नेक्स्ट, फिर बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस, इनमें से कौन सा, जब आप रिसर्च करते हो तो कौन सा लॉजिकल सीक्वेंस है, बोले तो लॉजिकल सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। रिसर्च जब आप करते हैं तो उसका लॉजिकल सीक्वेंस, मतलब यहाँ पे जो है वो किसकी बात करें, रिसर्च के प्रोसेस की बात करें। तो आप इसमें कैसे करते हो, सबसे पहले हम लोग जो है वो क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और डिफाइन करते हैं रिसर्च की प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद फिर हम उसके बेस पर जो है वो एक रिसर्च का हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। हाइपोथेसिस बनाने के बाद उस हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करते हैं और टेस्टिंग करने के बाद हम लोग जो है वो क्या करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं किसका, रिजल्ट का। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए। तो सेकंड का जो है वो क्या है, ए आएगा। आगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज अ मेन कॉन्सेप्ट ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च। हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, ये किस तरह के रिसर्च का मेन टाइप है, तो टेस्टिंग करना जिसके अंदर आप लोग जो है वो क्या करो, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करो, तो वो आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का पार्ट है, जिसके अंदर बेसिकली जो है वो हम लोग क्या करते हैं, हाइपोथेसिस जो होता है आपका इसको टेस्ट करते हैं और फिर वहां उसके बेस पर जो है वो डिसाइड करते हैं कि आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है या फिर वो फॉल्स है। चलो जी, नेक्स्ट, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, एक है लेबल एज असर्शन, एक है आपका रीजनिंग। सबसे पहले असर्शन बोलते हैं, डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, मतलब क्लासरूम के अंदर आपने जो डिस्कशन करनी है उसके टॉपिक को आपने पहले से ही क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया स्टूडेंट के साथ में, इज नॉट नेसेसरी द फर्स्ट स्टेप इन द क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो बोलता है ये क्लासरूम कम्युनिकेशन का पहला स्टेप नहीं है। गलत बात है सर ये तो, क्योंकि फर्स्ट जब भी टीचर जो है वो आता है वो अपने टॉपिक की शुरुआत करता है तो सबसे पहले वो बताता है कि आज किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगा, तो उसके पहले उसके बारे में जो है वो क्लास के अंदर जो है वो बता दिया जाता है कि बेसिकली जो है वो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो उससे क्या होगा, बच्चे के माइंड में जो है एक इमेज क्रिएट हो जाती है। तो ये तो आपका गलत हो गया, असर्शन जो है वो क्या है, गलत, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि नॉट नेसेसरी, जबकि ये जरूरी चीज है। फिर रीजनिंग बोलता है क्लियर डेफिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल, अगर आप क्लियरली जो है वो ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर दोगे, डिफाइन कर दोगे, तो उससे स्टूडेंट जो है उसके जो टॉपिक है उसको बढ़िया तरीके से अंडरस्टैंड होगा, बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। जी बिल्कुल सही बात है, अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो नेचुरल बात है जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो भी क्या होगा, अच्छा होगा। तो रीजनिंग जो है वो क्या है, सही। तो आंसर जो है वो क्या है, असर्शन जो है वो तो रॉन्ग है जबकि रीजनिंग क्या है, सही है। तो बोले तो ए इज फॉल्स, आर इज टू, डी। नेक्स्ट, अगला आया आपके ब्लड रिलेशन से, बोलता है ए इज द फादर ऑफ बी, ए जो है फादर है किसका, बी का, ठीक है। तो ए फादर हो गया और बी जो है वो क्या हो गया, इसका सन, या जो मतलब सन भी हो सकता है और डॉटर भी हो सकती है, ठीक है ना। ए जो है वो फादर है किसका, बी का, तो बी के बारे में कुछ नहीं बोला, तो बी बच्चा है, अब बच्चे में दोनों हो सकता है, सन भी हो सकता है डॉटर भी। आगे, सी जो है वो सिस्टर ए की, तो सी जो है, ये सी है वो ए की सिस्टर है, तो मतलब ये इसकी बी की जो है वो क्या होगी, बुआ होगी, हाँ जी सर। आगे, डी जो है वो ग्रैंडसन है सी का, डी जो है वो ग्रैंडसन है किसका, सी का। अब ग्रैंडसन है मान लो कि डी जो है वो पोता है किसका, सी का, ठीक है जी। तो बोलता है डी का बी के साथ रिलेशन बताओ, अब ये बताओ पहले सिस्टर, ये जो बुआ है इसकी, मतलब बी की बुआ, बुआ का पोता, बुआ का पोता जो है वो बी से कैसे रिलेटेड है, तो इसका ये क्या हुआ, भतीजा हुआ, जी सर। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, नेफ्यू। बी फाइव का जो है वो क्या आएगा आंसर, बी। आगे, क्योंकि ये ध्यान रखना, ये पोता ग्रैंडसन, इसका मतलब ये जो ये सी जो है इसके बच्चे जो होंगे, इसके जो चाइल्ड होंगे उसका चाइल्ड है ये, और इसके चाइल्ड और इनमें जो रिलेशन होगा वो क्या, भाई बहन होंगे, मतलब एक कजन होंगे, तो कजन का लड़का जो है वो इसका क्या हुआ, मतलब कजन का जो लड़का है वो उसका बी से रिलेशन जो है वो क्या हुआ, कजन का लड़का जो है वो बी का क्या हो गया, नेफ्यू हो गया। चलो जी, आगे फिर आगे बोलता है ए यूनिवर्सिटी टीचर इंटेंट टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ एस्पिरेशन, बोलता है यूनिवर्सिटी के जो टीचर हैं वो जो है वो क्या करना चाहते हैं, वो
स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, किसके बारे में? रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड द अचीवमेंट ऑफ द रूरल चिल्ड्रन, विच डिजाइन रिसर्च विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे जो है वो कौन सा रिसर्च डिजाइन जो है वो क्या है सही रहेगा आपका, तो वो है जी आपका कौन सा, एक्स पोस्ट फैक्टो। इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, एक्स पोस्ट फैक्टो। यहाँ पे रिसर्च अटेम्प्ट करता है टू ट्रेस एन इफेक्ट डेट इज ऑलरेडी अकर्ड टू इट्स प्रोबेबल कॉज। आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बी। आगे अब ये देखो एक बार, HPU को जो है वो कोडिंग किया गया 9 में, JNU को कोडिंग किया गया 9 में, तो बताओ DU को कैसे? तो HPU अगर जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप यहां पे जो है वो बेसिकली देखते हो कि इनकी प्लेसमेंट जो है वो अल्फाबेटिकली कैसी है। तो HPU H को जो है वो अल्फाबेटिकल 26 अल्फाबेट में जो है 8वें नंबर पे, P 16 पे, U 21 पे, तीनों का जोड़ करो तो 45, ठीक है, ये ओनली पहले ये निकाला मैंने, 45 आ गया। फिर JNU का देखो एक बार, JNU जो है वो कैसे है, जे 10वें नंबर पे, N 14 पे और U 21 पे, तो इनका जोड़ किया था वो भी क्या गया, 45। इन दोनों को नो कोड किया गया, इसका मतलब इनको डिवाइड किया गया किससे, 5 से। हाँ जी, 5 से डिवाइड करोगे तो ये 9 आया। हाँ जी, इस हिसाब से DU बताओ, तो D जो है वो है 4थे नंबर पे, U जो है 21 नंबर पे, दोनों का जोड़ कितना होगा, 25। 25 से मैंने 5 करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 5। तो आंसर यहां पे जो है 7th का वो क्या, ए। नेक्स्ट बोलता है x:y जो है वो बराबर है किसके, 7:9। x और y का जो रेशियो वो क्या है, 7:9 है। देन 3x-5y का x:4x+y, इनका रेशियो बताओ क्या निकल के आएगा, तो आपको ये निकालना है, कंप्यूट करना है। तो देखो x:y जो है वो क्या, 7:9 है, तो यहाँ पे x upon y जो है इसको x upon y लिख सकते हैं। हाँ जी, तो x upon y किसके बराबर, 7/9 के। हाँ जी, तो यहाँ पे x की वैल्यू बताओ क्या आगी, तो इसके बेस पर मैंने किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू जो है वो क्या आएगी, ये ऊपर चला जाएगा, तो 7y/9। लो जी, ये इसका वैल्यू आ गया। अब ये देखो, अब ये x की वैल्यू आ गई है, ये रेशियो है, इसके अंदर पुट कर दो तो आपकी वैल्यू, आपका जो है वो रेशियो निकल के आ जाएगा। तो देखो क्या था, 3x-5y/4x+y, तो यहां पे जो है वो x की वैल्यू में इसको मैंने क्या कर दिया, x को पुट कर दिया, ठीक है। तो यहां पे आप जब इसको पुट करोगे तो ये इस तरीके से आप इसको सोल्व आउट करना पड़ेगा। तो 3 × 7y/9 - 5y/4 7y/9+y, तो इसको मैंने जो है वो सोल्व किया यहां पे, तो ये क्या हो गया, 21y/9 - 5y, और यहां पे साथ जो 28y/9+y, इसको आप सोल्व करोगे तो आंसर ये आ जाएगा आपका, -24y/9 / 37y/9। तो इसको जब आप रेशो में लिखोगे तो ये उल्टा जाएगा ना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 से 9 कट गया, y से y कट गया, आंसर आएगा क्या, -24/37। तो इसका आंसर जो है वो बनता है क्या, 24 - 24/37 बोले तो 8th का ए। चलो जी, द पर्पस ऑफ ICT इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो पर्पस है एजुकेशन के अंदर, हम उसको क्यों लेके हैं, तो उसको हम बेसिकली जो है वो लेके हैं किसके लिए, क्या करने के लिए, स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, नो सर, मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग, नो सर, ऑप्टिमाइज द लर्निंग आउटकम, बिल्कुल सही, ये इसका जो मेन ऑप्शन जो है वो ये है, क्या है बेसिकली, ऑप्टिमाइज करने के लिए लर्निंग आउटकम, मतलब आपको चीजों को सिखाने के लिए, अच्छे तरीके से सिखाने के लिए जो है वो हम ICT को जो है एजुकेशन सेक्टर के अंदर लेकर आए हैं। आगे, लर्नर कम्युनिकेशन है रिलेटिवली हाई पोटेंशियल ऑफ चैलेंजिंग, लर्नर का जो कम्युनिकेशन है इज रिलेटिवली हाई पोटेंशियल ऑफ चैलेंजिंग, किस चीज को चैलेंज करता है ये, तो लर्नर का देखो क्या होता है कि जो लर्नर्स होते हैं, जो स्टूडेंट है, उनके माइंड में जो है वो लॉन्ग एंड कुछ एटीट्यूड जो है वो बना होता है, और वो एटीट्यूड इस तरीके का होता है कि वो मतलब नोट कंस्ट्रक्टिव, नोट ऑपरेटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक नेचर के होते हैं वो थोड़े से, ठीक है, तो उसको चेंज करना, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं लॉन्ग हेल्ड एटीट्यूड, लॉन्ग हेल्ड एटीट्यूड, ये थोड़ा ध्यान रखना, लॉन्ग हेल्ड एटीट्यूड इज ए डिस्पोजिशन, ये फीलिंग या मैनर डेट इज नोट कंस्ट्रक्टिव, कोऑपरेटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक, तो इसको बोलते हैं आप लोग लॉन्ग हेल्ड एटीट्यूड। तो लर्नर के साथ जब आप कम्युनिकेशन करते हैं रिलेटिवली हाई पोटेंशियल होता है उसके अंदर की चैलेंजिंग द लॉन्ग हेल्ड एटीट्यूड, क्योंकि वो थोड़े से वो होते हैं मतलब जिस तरह अपनी बात को मनवाने के लिए, ठीक है ना। आगे, आइडेंटिफाई द रोंग नंबर इन द गिवन केस, ये आपको जो है वो सीरीज दे रखी है, इसके अंदर से जो है वो रोंग नंबर को आपको जो है वो क्या करना, आइडेंटिफाई करना है, 3, 13, 43, 53, 63, 83, ठीक है, तो इसको जो है आइडेंटिफाई करो, तो इनमें से देखो 3 किससे डिवाइड, अगर हम प्राइम नंबर की बात करें, प्राइम नंबर वो है जो खुद से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होगा, 3, 13, 43, 53, 83 ये सारे के सारे वो हैं जो प्राइम नंबर है, लेकिन 63 जो है वो खुद से भी डिवाइड होता है और दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा, अगर आप इसको देखते हो तो ये जो है
आपका 3 से भी डिवाइड हो रहा है या नहीं है? हाँ जी सर। तो इसको अब या 21 से भी डिवाइड हो रहा है? हाँ जी सर। तो ये जो है ये जो है वो क्या सीरीज के अंदर जो है करेक्ट नहीं बैठता। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 63। आगे फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, आपको नीचे लिस्ट दे रखी है, आइडेंटिफाई दोज कॉम्पिटेंसी ऑफ एन इफेक्टिव टीचर। एक इफेक्टिव टीचर के अंदर क्या क्या कॉम्पिटेंसी होना चाहिए? विच रिलेट टू द डोमेन ऑफ पर्सनैलिटी, जो रिलेटेड है किससे? उसकी पर्सनैलिटी और एटीट्यूड से। तो उसके अंदर क्या क्या चीज होनी चाहिए? तो इसके अंदर जो है वो आएगा क्या, एक तो कंट्रोल, लोकस ऑफ कंट्रोल होना चाहिए जी। पर्सनैलिटी एटीट्यूड की बात हो रही है, कम्युनिकेटिंग ये नॉर्मल है, ये इसकी यहाँ पे बात नहीं है। मैनेजिंग नहीं, इसकी बात नहीं है यहाँ पे। तो इधर जो है सेल्फ एफिकेसी, क्या वो सेल्फ एफिकेट होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। टीचर एंथुसियाज्म होना चाहिए उसके अंदर? जी बिल्कुल होना चाहिए। बींग ऑर्गेनाइज ऑर्डरली, ये नॉर्मल है, तो ये भी नहीं। तो आंसर जो आएगा इसका वो क्या आएगा? फर्स्ट और फिफ्थ, और फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ बोले तो बी, क्योंकि यहाँ पे ये सारे, वैसे तो ये सारी की सारी क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है डोमेन ऑफ द पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड की बात हो रही है। तो उसके अंदर ये तीन आती है, लोकस ऑफ कंट्रोल, सेल्फ एफिकेसी और दूसरा कौन सा, टीचर एंथुसियाज्म। चलो जी आगे, द इन्फ्रेंस ए माउस इज एन एनिमल, एक इन्फ्रेंस है कि एक माउस जो है वो क्या है, एनिमल है। देयरफॉर लार्ज माउस इज ए लार्ज एनिमल, एक इन्फ्रेंस निकाला गया माउस है वो एनिमल है, इसलिए जो है वो लार्ज माउस जो होगा वो लार्ज एनिमल होगा, मतलब बड़ा चूहा जो है वो बड़ा एनिमल होगा। कमिट विच ओ वन ऑफ द फॉलोइंग फेलेसी, इसकी ये जो है वो कौन सी फेलेसी है? तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इक्विवोकेशन, इक्विवोकेशन बोलते हैं इसको। इक्विवोकेशन का मतलब क्या होता है? इट स्लाइड बिटवीन टू और मोर डिफरेंट मीनिंग ऑफ वर्ड, यहाँ पे जब हम स्लाइड हो जाते हैं दो या दो से ज्यादा अलग अलग मीनिंग ऑफ वर्ड और उनको हम आपस में जो है वो क्या कर बैठते हैं, एक मतलब सिमिलर मान बैठते हैं, और फ्रेज दैट इज क्रिटिकल टू द आर्गूमेंट। फॉर एन आर्गूमेंट टू वर्क, अगर एक आर्गूमेंट को काम करना है, मतलब आर्गूमेंट अगर वो सही है उसकी वैलिडिटी के लिए, द वर्ड मस्ट हैव, जो वर्ड्स है मस्ट हैव द सेम मीनिंग थ्रू आउट द प्रीमाइस एंड द कंक्लूजन, उनका जो है सेम मीनिंग होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहां पे ये फेलेसी, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इक्विवोकेशन फेलेसी। आगे फिर बोलते हैं इन द पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक की बात हो रही है, टू द रिसर्च विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसर्च गॉट एम्फेसाइज, तो इसके अंदर पोस्ट पॉजिटिविस्ट के अंदर जो है वो कौन से तरह की रिसर्च जो है उसको हम यहाँ पे जो है वो लेकर चलते हैं। एक्सपेरिमेंटल नहीं, फिनोमोलॉजिकल लेके चलते हैं, एथनोग्राफिक लेके चलते हैं, एक्सपोस्पेक्टो नहीं, और एक्शन रिसर्च लेके चलते हैं। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। ये मैंने पहले के क्वेश्चन के अंदर भी करवाया था, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे इन विच द फॉलोइंग फॉर्म, किस फॉर्मेट के अंदर रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट, तो रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट जो है इज मस्ट, रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट जो है वो क्या है, जरूरी है। सबसे पहले रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट जो है वो क्या है, इट इज अ ब्रीफ समरी, ये जो है वो क्या होती है, ब्रीफ समरी होती है किसका, रिसर्च आर्टिकल का, थीसिस का, रिव्यू का, कॉन्फ्रेंस का, प्रोसीडिंग का और एनी इन डेप्थ एनालिसिस का, जो हेल्प करता है रीडर को क्विकली एसरटेन द पेपर पर्पस, मतलब पेपर का जो पर्पस है, ठीक है, उसको क्विकली एसरटेन करने के लिए। भाई पूरा पेपर पढ़ने से पहले हम आपको जो है वो क्या देंगे, एक क्विक एनालिसिस दे देंगे, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये पूरा का पूरा पेपर जो है वो किस रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो इनमें से किसके लिए जरूरी है रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट, तो वो जरूरी है जी आपका किसके लिए, आर्टिकल्स के लिए जरूरी है, सेमिनार पेपर प्रेजेंटेशन के लिए जरूरी है, थीसिस के लिए जरूरी है। तो ये तीनों के लिए जो है ये क्या है, जरूरी है आपका। तो आंसर आएगा ए। आगे डीआई का क्वेश्चन दिया, बोलता है फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड द सेल्स ऑफ कंप्यूटर द डिफरेंट टाइप एंड द ब्रांड ओवर द ईयर, 2001 से 2007 का डेटा आपको जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे बता रखा है नंबर ऑफ ब्रांड ऑफ द कंप्यूटर सोल्ड इन डिफरेंट एरिया, अलग अलग एरिया के अंदर जो है वो कंप्यूटर की सेल बता रखी है, ठीक है। तो 2001 से लेकर 2007 का डेटा और चार कंपनी का डेटा, लिनोवो, एसर, आईबीएम, एचसीएल का, ओके। तो इसके बेस पर जो है वो आपको कुछ नीचे पांच क्वेश्चन है वो उनको आपको सोल्व करना है। सबसे पहले बोलता है डिफरेंस इन द, आपको जो है पहला क्वेश्चन है डिफरेंस इन द नंबर ऑफ एसर कंप्यूटर सोल्ड 2002 और 2005 के अंदर, उनका डिफरेंस बताओ। तो 2000 एसर की बात हो रही है, 2002 में कितने थे 25, 2005 के अंदर जो है कितने थे 85, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना आ गया, 60,000। तो आंसर जो आएगा 16 का वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आया और क्वेश्चन बोलता है इन विच, किस साल के अंदर जो परसेंटेज ऑफ द एसर कंप्यूटर जो है, एसर कंप्यूटर की जो परसेंटेज है सोल्ड एज अ टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर, मतलब इनमें से किस साल के अंदर एसर का जो टोटल में से एसर का जो कंप्यूटर है वो क्या है, वाज मैक्सिमम, एसर का कंप्यूटर जो सबसे ज्यादा किस साल के अंदर जो है वो क्या हुआ है, सेल आउट हुआ है, तो वो आपको जो है वो बताना है। तो देखो यहाँ पे 2003, 4, 5 और 7 का डेटा है। तो ये देखो 2003 के अंदर टोटल जो कंप्यूटर बिके हैं वो कितने हैं, 50, 50, 50, 55, मतलब 205 कंप्यूटर बिके, जिनमें से एसर के कितने थे 50। तो ये आपको इस तरीके से रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। उससे उसके फिर मानो 2004 का, तो ये आपको निकालना पड़ेगा जैसे 170, 205 फिर बिके,
ठीक है, इनमें से एसर का जो रेशियो था वो कितना था, 70 था। इस तरीके से आपको चारों साल का जो है वो क्या करना पड़ेगा, डेटा को कंप्यूट करना पड़ेगा, उनका परसेंटेज आएगा, इनमें जो सबसे ज़्यादा है वो आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो 2003 के अंदर 24.39, 2004 में 34.14, 2005 में 34 और 2006 में 23.707। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 34.14, 2004 इसका जो है आंसर है। चलो, नेम द टाइप और ब्रांड ऑफ कंप्यूटर हु सेल हैज कंटिन्यूअसली डिक्रीज, कौन सा कंप्यूटर जिसकी सेल लगातार जो है 2001 से 2007 में जो है वो क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें ये तो जनरल अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। देखो लगातार HCL की जो सेल लगातार कम हो रही है, देखो 80 फिर 70 फिर 55 फिर 35 25 20 और 10, तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, HCL। चलो जी, नेम द टाइप ऑफ कंप्यूटर, इनमें से कौन सा ऐसा कंप्यूटर है फॉर विद द टोटल सेल जो है इन ऑल द 7 years मैक्सिमम, 7 सालों के अंदर सबसे ज्यादा सेल जो है वो किसकी हुई है। तो आपको बस सिंपली क्या करना है, इन सबको जोड़ कर देना है। तो आपने इन सबका जो है वो जोड़ कर दिया है। लिनोवो की 7 सालों में सेल हुई है 400, एसर की 375, IBM की 450 और HCL की 295। सबसे ज्यादा जो है वो किसकी हुई है, IBM की। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, IBM। लो जी, 19th का ए। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल ऑफ द लिनोवो कंप्यूटर इन 2007 एज कम्पेयर 2001 वो कितनी है, परसेंटेज इंक्रीज आपको बताना है। देखो 2001 के अंदर लिनोवो के जो कंप्यूटर की सेल थी वो थी 20, 2007 में कितनी थी, 90। तो बढ़े कितने, 70 बढ़े, तो 20 से 90 हो गए, तो 70 बढ़े हैं, किस पे बढ़े हैं, 20 पे बढ़े। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, इंक्रीज जो होता है इंक्रीज से डिक्रीज ऊपर आएगा अपॉन में बेस, तो ये आपका जो है वो बेस हो गया इंटू में 100। तो 350 जो है 350% जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर जो आएगा 20 का वो क्या है, डी। ओके जी सर, लो जी ये हो गए जी आपके क्वेश्चन 20। तो इसको आप जो है मैच कीजिएगा और फिर बताइएगा कि आपके कितने ठीक बैठे। ओके जी सर, चलो ये कीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।